सत्ताधारियों पे इसलिए आरोप लगा रहा हूँ बड़ी स्पष्टता के, सत्ताधारी ये कोई महायुद्ध की सरकार नहीं है, सत्ताधारी एक जाति की सरकार है। स्कूल करेंगे, उनका काम है, वो पुरखों से करते आए करेंगे। शिवाजी महाराज भी उन्हीं के खिलाफ लड़े थे, महात्मा फुले ने उन्हीं के खिलाफ जंग की थी, शाहू महाराज रिजर्वेशन के तहत इन्हीं लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे। हम सारे SC ST OBC आदिवासी मुस्लिम सारे समाजों को लेकर एक साथ चल रहे हैं। वो जो जो काउंटर करते हैं उसका भी ध्यान हम रखते हैं, लेकिन हम लोग काउंटर का एनकाउंटर करने में माहिर है। आज विरार में वंचित बहुजन आघाड़ी पालघर जिला द्वारा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में वंचित आघाड़ी के पालघर जिला अध्यक्ष हर्षद खंडागले और राष्ट्रीय पद के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण शिविर में आने वाले महानगर पालिका चुनाव में होने वाले कामकाज और कार्यकर्ताओं की रणनीतियां बताई गई। कार्यक्रम में अरुण सावंत ने बताया कि वंचित बहुजन आघाड़ी को सभी चीजों में वंचित किया जाता है, लेकिन आने वाले चुनाव में ऐसा नहीं होगा। वे इस चुनाव में साम दाम दंड और भेद से अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियां करेंगे और जीतेंगे। वंचित बहुजन आघाडीची आता जिल्हानिहाय शहरनिहाय काही ठिकाणी कार्यशाळा होते, कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण शिबिर। आमच्या पक्षाच्या रचनेप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी युनिट्सला आमचे पदाधिकारी असतात, ते जनतेपर्यंत जातात। तर ह्यांना मुळात पक्षरचना काम कसं करायचं आणि लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं आणि कुठली कामं केली पाहिजेत, पक्ष कसा वाढेल ह्यासंबंधीचं प्रशिक्षण शिबिर, ज्याच्यामध्ये आमच्या वंचित बहुजन आघाडीचे राज्यस्तरीय समन्वयक आहेत, एक्सपर्ट आहेत, मास्टर ट्रेनर राजेंद्र पातोडे, त्यांना खास विदर्भातनं बोलवून इथे आज त्यांचं 3 तासाचं व्याख्यान झालं। वही वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष धनराज वंजारी ने बताया कि सत्ताधारी पार्टी यानी बहुजन विकास आघाड़ी तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है और उन्हीं मुद्दों के साथ वे जीत के आते हैं। शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसी के खिलाफ लड़े थे और इस आने वाले चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी भी इन्हीं मुद्दों के मद्देनजर सभी को एक साथ लेकर मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव, वसई विरार। पास न जात है, न पात है, न संघ है, न पंथ है, न संप्रदाय है। हम सारे SC ST OBC आदिवासी मुस्लिम सारे समाजों को लेकर एक साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सत्ताधारी इन सब चीजों को तोड़ने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनका काम है, वो पुरखों से करते आए करेंगे। शिवाजी महाराज भी उन्हीं के खिलाफ लड़े थे, महात्मा फुले ने उन्हीं के खिलाफ जंग की थी, शाहू महाराज रिजर्वेशन के तहत इन्हीं लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो इन्हीं धर्मकारियों के खिलाफ लिखा जिन्होंने लोगों को बांटने की रणनीति की है। हमारे शत्रु कितने प्रबल है हमको पता है, वो जो जो काउंटर करते हैं उसका भी ध्यान हम रखते हैं, लेकिन हम लोग काउंटर का एनकाउंटर करने में माहिर है, उनको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। आप साफ साफ आरोप सत्ताधारी पर लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा हूँ, सत्ताधारियों पे इसलिए आरोप लगा रहा हूँ बड़ी स्पष्टता के, सत्ताधारी ये कोई महायुद्ध की सरकार नहीं है, सत्ताधारी एक जाति की सरकार है। 288 विधानसभाओं की सीटों में अगर 182 आमदार एक मराठा समाज के है तो सिल्वर बेस लाइन इस युति की है, वो भले शिवसेना का मराठा हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, इसलिए यह सरकार बनी है। बेवकूफ तो जनता को तुम बनाओगे, लेकिन हमारे पढ़े लिखे जवानों से, नौजवानों से जब पाला पड़ेगा तब क्या करोगे?